कभी कभी ना मैं खुद भी हैरान हो रही होती हूँ कि व्हाई मैं ऑलवेज इन द किचन। तो खैर यार, हमारी औरतों और लड़कियों का हमारा ज्यादातर टाइम तो किचन में ऑब्वियसली गुजरता है, और उसका एक फायदा ये भी होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ चलो यार आज ये पका लेते हैं। आज मैं बनाने लगी थी चिक्कड़ छोले। मामा क्या करती है कि वो जैसे ही चने मंगवाती है ना, तो वो इकट्ठे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 किलो मंगवाया ना, तो वो इकट्ठे भिगो के फिर उनको इकट्ठे ही जो है ना बॉइल करके फ्रीज कर लेते हैं। इससे इतना फायदा होता है कि जब भी आपको जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कभी वो भी बनाने हो ना दही बल्ले भी, तो मैं फौरन थोड़े से निकालती हूँ उसके अंदर डाल लेती हूँ। और अगर ये चने उबले हुए फ्रीजर में ना पड़े होते ना, तो मैंने कभी भी नहीं बनाने थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये तो बड़ा लंबा काम है कि पहले चने गलाओ और फिर मसाला बनाओ और दिस एंड दैट। अच्छा, तो मैंने इसको बनाने के लिए पहले प्याज ब्राउन किए, फिर उसमें आलू वगैरह डाला, फिर मैंने एक टमाटर डाला, थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट डाला क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज हुए हुए पड़े हैं, आपके पास ताजी हैं तो वो डालें, और बस फिर आपने सारे स्पाइसेस ऐड करके मसाला भून लेना। मुझे आजकल जो है ना चाइनीज सॉल्ट का डब्बा मेरे सामने पड़ा होता है, तो मुझे बड़ा ही पसंद आया है ना, तो मैं हर चीज में वो डाल देती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि वो सालन को ऐसे 4 चांद लगा देता है, मतलब उसका जायका बहुत इनहेंस हो जाता है। तो खैर मैंने अच्छी तरह मसाला वगैरह भून लिया पहले, और जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने थोड़े से आलू साइड पे कर लिया, और बाकी सारा जो पेस्ट था ना सारा का सारा उठा के उसको मैश कर दिया, लाइक जूसर में डायरेक्ट ब्लेंड कर दिया। उससे ये हुआ कि वो इतनी फाइन और मजे की ग्रेवी बनी हुई थी, और उसके अंदर लाइक ऐसे होते हैं ना समटाइम्स ऐसे प्याज वगैरह ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं, तो ये इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आधे आलू साथ मैश कर लिए थे और आधे थोड़े से निकाल के साइड पर कर लिए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए। वैसे आपकी मर्जी, आप आलू ऐसे मैश कर दो, मैंने ऐसे बीच में छोड़ दिए थे। उसके बाद ये मैंने बॉइल हुए चने बीच में डाले। अब जब मैं फ्रीजर से चने निकाल रही थी ना, तो मुझे नजर आया कि मैंने चिकन स्टॉक रखी हुई थी, थोड़ी सी यखनी पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी उठा के बीच में डाल दी, क्योंकि मुझे कनोर नहीं मिल रहा था वो चिकन क्यूब, तो मैंने डायरेक्ट यखनी डाल दी, वो प्रॉपर फ्रीज हुई हुई थी, और इतने मजे का सालन बना, इतने मजे का। और ये वो यखनी है जो मैं उसको डालने की कोशिश कर रही थी, और बस फिर मैंने ऐसे ही पूरी की पूरी ना लाइक चने सब कुछ बीच में डाल के हल्की आंच पे रख दिया, और वो इतना मजे का सालन बना। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे पतले शोरे वाला सालन होगा, लेकिन जब सबने देखा तो माशाल्लाह सबने इतने शौक से खाया। उसके बाद मैंने मुस्तफा का खाना तैयार किया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको अल्टरनेटिव डेज पे डिफरेंट कुछ बना के देती रहूं, ताकि वो उसका एक चीज से दिल ना भर जाए। मेरी कजिन एक दिन मुझे मशवरा दे रही थी, कहती रोजाना ना न्यू रेसिपीज ट्राई करके खिलानी चाहिए, अदरवाइज इनका एक दिन ये एक चीज खाते हैं, अगले दिन ये उस चीज से इनका दिल भर जाता है। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा वाकई ना एक चीज बार बार खिलाऊंगी तो वो वाकई वो खाना छोड़ देगा एंड में। आई नो ऑल मॉम्स कैन रिलेट टू दिस, कि हमारे बच्चे अगर मुंह में एक निवाला डाल लेते हैं ना, तो हमें कितनी खुशी हो रही होती है कि शुक्र है यार चलो कुछ तो खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बड़े तैयार श्यार होके गए। अच्छा, मैं एक टाइम पे ना इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता ना मेरा क्या दिल चाह रहा है। अब मेरा सेम टाइम पे बाहर जाने का दिल भी कर रहा होता है, मेरा लोगों से मिलने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन वो जो तैयार होना पड़ता है, कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, मुस्तफा को तैयार करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें सोच के मेरा दिल करता है अल्लाह घर ही रह जाते हैं। तो आज मैंने मिलना था आमना से, और इतने को इन्होंने मुस्तफा के साथ प्रैंक किया ना, मैं सिदके जाऊँ। So this is all the food and which was really good. जब से मुस्तफा टीथिंग फेज में आया ना, तो 24/7 उसको इरिटेशन हो रही होती है, वो एग्जॉस्ट हुआ होता है, और उससे ज्यादा एग्जॉस्ट वो मुझे कर देता है, लाइक एक सेकंड भी मुझे इसने सुकून से बैठने नहीं दिया। और मैं एंड पे उनको हंस रही थी, मैंने कहा आप लोग याद करेंगे कि मुस्तफा आया था। बड़ी कोशिश चल रही थी कि यार इसको किसी तरह चुप करवा लें, इसका ध्यान इधर उधर हो जाए, 2 मिनट हमने चुप करना है, 3रे मिनट हमने रोना है, 4थे मिनट हमने कहना है जल्दी करो हमें लेके खड़े हो जाओ, और फिर जब आपके सारे हरबे फेल हो जाए ना, तब आप आ जाते हो कोको मेलन पे कि यार बस अब तो बस हो चुकी है हमारी। तो खैर यार, इट वाज ग्रेट मीटिंग विद हर, माशाल्लाह शी इज सच अ नाइस पर्सनालिटी विद पॉजिटिव वाइब्स। होता है ना कुछ लोगों का चार्म इस तरह का होता है कि उनसे आप पहली दफा मिलके आपको लगता ही नहीं है कि यार हमारी इनसे पहली मुलाकात है। उसके बाद वहां से निकल के हम लोग चेजअप गए, वहां से मामा लोगों ने मुस्तफा के लिए एक झूला पसंद किया होता, और मैं सारी माओं को रिकमेंड करूंगी कि यार अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके झूले तो हर किस्म, जितने किस्म के झूले आपको मिल सकते हैं ना, उतने किस्म के झूले ले। मैं इन गाड़ियों के प्राइस देख के हैरान हो रही थी कि हमने तो बचपन बड़ी सादगी में गुजारा है, इनके तो वखरे ही नखरे होने वाले। पहले मूसा के पास एक झूला था, मुस्तफा के पास है, बच्चे इतने सुकून से बैठे रहते हैं ना इसमें, लिटरली हमारी अपनी जिंदगी सुकून में आ जाती है। और ये पोर्टेबल भी है, लाइक आप डिफरेंट जगह पे हुक्स लगा लो, और जिधर आप बैठे हो वहीं पे जाके इनका झूला लटका दो साथ। मैं तकरीबन 4100 रुपए का चेजअप से लेकर आई हूँ, और जबकि सेम यही चीज आपको दराज पे 2000 की मिल जाएगी। और ये मेरे फेवरेट तरीन दही बल्ले हैं, लाइक मुझे इतने पसंद है जिसकी कोई इंतहा नहीं, गुलशन मार्केट में बिस्मिल्ला वालों। और अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे भी लाजमन बताइएगा कि कैसे है, मतलब ये मेरे इतने फेवरेट है, मैंने पूरा बचपन खाया है यहाँ। तो अब आगे मैं ब्रोस्ट और बर्गर्स वगैरह पर शिफ्ट की हूँ, वरना तो मैंने मुझे इतने दही बल्ले पसंद थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरी भाभी इतने मजे की कॉफी बनाती हैं। तो खैर यार, दिस वाज ऑल फॉर मी फॉर टुडे, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, लेटेस्ट अपडेट आपको सारी यूट्यूब और इंस्टा पे ही मिलेगी। तो खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।